हेलो गाइज, आज के वीडियो में मैं लाया हूँ एक माउस को रिपेयर करना। जैसे कि ये माउस जो देख रहे हैं, यहाँ से वायर जो है वो ब्रेक हो चुका है। इसे मैं रिपेयर कर दूंगा। रिपेयर करने के बाद ये बिल्कुल ही सही हो जाएगा। तो ये वीडियो के लास्ट तक आप बने रहें। अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन ऑल पर क्लिक कर लें। ऐसे ही इंटरेस्टिंग वीडियो मैं लाता रहूंगा, तो बने रहें। तो चलिए वीडियो को सबसे शुरू पहले करते आपको हैं। इस कवर को हटाना होगा। हटाने के लिए आपको इस तरह के कटर का यूज करना होगा। साइड में जो देख रहे हैं, इस साइड में आपको यहाँ निशान देखने को मिलेगा, यहीं से आप इसे कट कर दें। दोनों साइड से आपको कट करके हटाना ही होगा। तो मैं इसे इस तरह से बहुत ही सावधानी पूर्वक मैं इसे कट करके हटा लूंगा। यहां से मैं इन सभी वायर को कट कर लूंगा। ये बिल्कुल ही कट हो चुका है। और अब देखें, ये कवर जो है वो भी ब्रेक हो चुका है। तो मैं इस कवर को यहां से हटाऊंगा। और अब मैं इसे निकाल लूंगा इस तरह से। देख रहे हैं कि ये जो कवर है वो बिल्कुल हट चुका है। ये कवर बाद में आप इसका यूज भी कर सकते हैं। अब यहां पर जो देख रहे हैं, ये चिपकाया हुआ है, तो यहां से भी कटिंग करके हटाना होगा। मैं यहां से कटिंग करूंगा। करने से पहले इसके कनेक्शन के बारे में थोड़ा सा डिटेल से जान लें, ताकि आपको काफी हेल्प मिले ये कनेक्शन को करने में। माउस को यहाँ से खोल लूंगा। यहाँ पर दो स्क्रू आपको देखने को मिलेगा। एक स्क्रू जो है इस साइड में है, तो यहाँ से ही आप इसे खोलें तो देखें इसके साइड में भी एक एक स्क्रू लगा, अच्छे से खुल जाएगा। तो इसके मैं कवर को हटा लूंगा। ये देख पाएंगे इसके इनसाइड में। और अब देखें इसके कनेक्शन को, जो इसका कनेक्शन किया गया है, एक स्क्रू देख रहे हैं, इसे भी खोल लेना है। दो साइड में दो स्क्रू आपको देखने को मिले। उसके बाद इस पीसीबी बोर्ड को देखें, इसके बैक साइड में आपको कनेक्शन देखने को मिलेगा। कौन कनेक्शन क्या है वो आपको यहाँ पर डिनोट कर दिया जाता है। यहाँ से कनेक्शन देखेंगे, ये आर है, ये बी है, ये जी है, ये डब्ल्यू है। और अब देखें, ये मैं सबसे पहले यहाँ से इसे निकाल लें, ये स्क्रॉलर को। और ये देखें कि स्क्रॉलर में भी काफ़ी डस्ट, तो ये इन सभी डस्ट को भी मैं क्लीन करूंगा। बाल देखने को मिलेगा। ये जो माउस जो कोई यूज किया है वो कोई गर्ल ही यूज की है, इसमें बाल इसमें जाएगा तो ये थोड़ी सी परेशानी थी। ये छोटे से ब्रश के हेल्प से मैं इन सभी को क्लीन कर लूंगा। डस्ट रहने से भी थोड़ा सा प्रॉब्लम आ सकती है, आपका माउस जो है वो सही से वर्क नहीं करेगा। इसलिए डस्ट को बिल्कुल ही क्लीन रखें इस माउस में। यहाँ पर जो आप देख रहे हैं, ये एक ऑप्टिकल लेंस लगा हुआ है। इसके इस साइड में जरा सा भी आप डस्ट ना जाने दें, यही डस्ट के कारण जो है आपका माउस सही से वर्क नहीं करता है। पहले मैं एक वीडियो बनाया था तो इन सभी को क्लीन किया और जस्ट माउस जो है वो बिल्कुल सही से वर्क करने लगा। क्योंकि ये जो एलईडी देख रहे हैं और यहाँ जो देख रहे हैं, ये एक ऑप्टिकल लेंस है, इसमें डस्ट जाने से प्रॉब्लम आ रहा। डायग्राम बना लिया हूँ जो काफी हेल्पफुल होने वाला है। ये माउस यूएसबी पोर्ट वायर कनेक्शन है। ये जो है इनसाइड माउस का सेक्शन है जो पीसीबी बोर्ड का है। मैं यहाँ पर डिनोट कर दिया हूँ कि माउस पीसीबी बोर्ड इनपुट कनेक्शन जो इसमें होगा उसका है, और ये आउटपुट का है जहां पर माउस का यूएसबी पोर्ट होता है जो आउटपुट कनेक्शन है। यानी कि यहाँ पर व्हाइट वायर का कनेक्शन है, यहाँ ग्रीन वायर का कनेक्शन है, यहाँ ब्लैक वायर का, यहाँ रेड वायर। रेड वायर के जगह पर यहाँ पर स्लेटी कलर का एक वायर का यूज कर दिया गया है। यहाँ व्हाइट वायर का कनेक्शन देख रहे हैं, ग्रीन है। यहाँ ये ब्लू वायर का भी यूज किया गया है जो ब्लैक ग्राउंड के लिए, यहाँ पर ब्लैक वायर का यूज करना था तो यहाँ ब्लू वायर का यूज किया गया था। बट सभी माउस में इस तरह से कनेक्शन आपको भिन्न भिन्न वायर देखने को मिलेगा। बट अगर इस तरह के डायग्राम अगर आपको मिल जाए तो आप आसानी पूर्वक माउस को रिपेयर कर सकते हैं। तो ये जो है आर, इसका वन नंबर है जो भी प्लस है, यहाँ पर 5 वोल्ट इनपुट इसमें जाएगा। ये डाटा माइनस का है। डब्ल्यू यानी कि व्हाइट वायर का कनेक्शन है। ये 3 नंबर पर ग्रीन वायर है जो डाटा पॉजिटिव होगा। बी यहां पर मैं लिखा हूं जो ब्लैक वायर रहेगा, ये ग्राउंड से कनेक्ट रहेगा। अब देखें ये इनपुट जो देख रहे हैं जो पीसीबी बोर्ड में है, ये रेड डिनोट कर दिया हूं रेड वायर से, बी ब्लैक से, और जी ग्रीन से, डब्ल्यू व्हाइट वायर से। अब देखें 1 नंबर में जो आया है ये 5 वोल्ट इसमें इनपुट होगा। फिर उसके बाद ग्राउंड का कनेक्शन है जो 4 नंबर का है। डाटा प्लस है वो 3 नंबर पे होगा। डाटा माइनस जो है वो 2 नंबर का कनेक्शन है। तो इस तरह से ये कनेक्शन हो जाता है। यहाँ से काउंट जो है वो नंबरिंग से होगा। वायर का कनेक्शन इस तरह से सेट किया जाता है। इसका स्क्रीनशॉट भी लेकर के डिटेल से इसे जान सकते हैं। और अब मैं यहाँ से इसके कवर को हटा लेता हूँ। तो हल्के हल्के निशान लगाएं और इसके बाद फिर ये कवर को हटा लें ऊपर से। वायर के कवर को मैं हटा लूंगा और यहाँ पर 4 वायर आपको हैं। ये हीट सिंक ट्यूब होने के बाद ये बिल्कुल ही उस आकार में चलाता है और उसे सेट कर देता है।
तो ये हेडसिंक ट्यूब को मैं इन्हीं सभी को रिपेयर करने के लिए मंगाया हूँ। इसका भी वीडियो मैं पहले दिया था, इसमें से मैं इस ट्यूब को पहले इसमें ट्यूब को लगा लूंगा, उसके बाद फिर मैं इसमें इस माउस का यूज किया जाएगा, तो वायर जो जहां से मुड़ेगा तो फिर से ये प्रॉब्लम नहीं आएगा, इसे यहां से ब्रेक होने नहीं देगा, इसलिए मैं इस ट्यूब का 7mm से लेकर के ये 10mm तक में आ जाता है, तो इसमें से जो भी mm का यूज होगा वो मैं इसमें इन कर लेता हूं। तो अब देखें, ये मैं ट्यूब को इतना कटिंग कर लिया हूं, इसके ऊपर चढ़ा करके इसके साइड में ताकि इसे लॉक रहे, ये वायर को रिमूव कर लिया हूं। अब मैं इसमें वायर इसमें इन कर लें कि वायर जो है वो बिल्कुल अंदर इन हो जाए। इस साइड से इसका कनेक्शन जो काउंट करें तो ये इसका एक हो जाता है, यहाँ पर टू हो जाएगा, यहाँ थ्री हो जाएगा, ये फोर हो जाएगा। जब मैं ऐसे पलटूंगा तो कनेक्शन मेरे को इस साइड से करना है, तो यहाँ करने के बाद ये इसका वन, ये टू, ये थ्री, ये फोर हो जाएगा। तो चलिए अब मैं यहाँ पर आपको कनेक्शन करके, वायर बिल्कुल अच्छे से सोल्डर कर दिया और ये बिल्कुल कम्प्लीट हो चुका है। तो चलिए ये लॉक करने से पहले मैं यहाँ पर एक बार टेस्टिंग कर लूंगा सेलफोन की हेल्प से। तो आप देखें ये सेलफोन है और ये जो है ओटीजी केबल, इस ओटीजी केबल को मैं यहाँ पर इन कर लूंगा और जैसे ही मैं इसे इन किया, इन करने के बाद यहाँ पर कनेक्शन इन हो जाएगा। तो चलिए यहाँ पर मैं इसे कनेक्ट करके दिखाता हूँ और ये देखें मैं यहाँ पर मैं इसके ऊपर रख लिया हूँ ताकि इसे मैं इसे स्क्रॉप कर सकूँ और इसे मैं बैठा लिया हूँ। यहाँ देखें ओटीजी कनेक्शन मैं ऑन, ये बिल्कुल ऑन हो चुका है। तो आप देखेंगे यहाँ पर कर्सर को, ये देखें कर्सर भी बिल्कुल अच्छे से रोटेट कर रहा है, इस तरह से रोटेट करने। इसमें एक प्रॉब्लम है, ये स्क्रूबल को जब हम इस तरह से रोटेट करते हैं तो यहाँ से ऑफ हो जाता है। ये खोलने के लिए यहाँ साइड से क्लिक करना है, ये कोई भी स्क्रू ड्राइवर की हेल्प से यहाँ से खोल सकते हैं इस तरह से। मैं यहाँ से हटा लिया हूँ, उसके बाद इसके इनसाइड में देखूंगा कुछ प्रॉब्लम यहाँ पर आने के कारण ये इसे साइड से क्लिक करके इसे ये निकल चुका है इसका क्लिप। इस पर देखें यही कार्बन आ चुका है क्योंकि यहीं से इसका 5 वोल्ट का सप्लाई जो है वो ऑप्टिकल आईसी में इनपुट होता है, इसी को रोटेट करने से इसी कारण ये प्रॉब्लम आ जाती है। और जब क्लीन हो जाए तो इन सभी को इस तरह से उठा उठा देना है ताकि ये अच्छे से टच हो, को इसके हेल्प से इसमें जितने भी डस्ट है उन सभी को क्लीन कर लें क्योंकि डस्ट के कारण ही ये प्रॉब्लम होता है। देख सकते हैं काफ़ी डस्ट है, इसी कारण ये प्रॉब्लम हो जाती है क्योंकि इसमें हमेशा घर्षण होती है। जो भी यूज करते हैं इस तरह के माउस का तो बीच वाला जो रोटेट हमेशा होते रहता है, उससे क्या होता है कि दोनों के बीच में घर्षण होने के कारण घिसटाव होता है और जिससे कार्बन भी लग जाती है और साथ में काफ़ी डस्ट वगैरह भी इसमें चला जाता है जिसके कारण ये प्रॉब्लम आ जाती है। तो ये देख सकते हैं कि ये बिल्कुल ही क्लीन हो जाएगा, मैं इसे सेट करूँगा, मैं टेस्टिंग करके भी दिखाऊँगा। क्लीन करने के बाद ये स्क्रू ड्राइवर की हेल्प से हल्का हल्का घर्षण सभी पे कर दे ताकि जितने भी अगर कार्बन इस पर लगा हुआ है वो यहाँ से रिमूव हो जाए। और अब देखें जब इस तरह से क्लीन हो जाए, काफी डस्ट देखिए इसमें निकला है, इसी तरह से मैं इसे भी बिल्कुल क्लीन करूंगा। ये बिल्कुल ही क्लीन हो चुका है, जितने भी डस्ट जो था वो मैं क्लीन कर दिया और अब मैं इसे इसमें इन कर लूंगा। जिस तरह से मैं इसे निकाला था उसी तरह से इसमें इन कर लेना है। तो ये देख लें यहाँ पर इन कर लें, इसके बाद इसके क्लिप को ऊपर से अटैच कर लें, लगाने के बाद ये पॉइंट के पास हल्के हल्के प्रेस कर दें और ये लॉक हो जाएगा। लॉक होने के बाद इसके स्क्रोवल से इसे रोटेट करके एक बार देख लें, ये देखें स्क्रोवल, इसे लगा करके इस तरह से रोटेट करके देखें, बिल्कुल स्मूथ है। और अब यहाँ पर देखेंगे ये कनेक्ट हो चुका है और ये कर्सर आप देख रहे हैं सेलफोन में किस तरह से ये वर्किंग पर है, ये मैं ओटीजी केबल से कनेक्ट किया हूँ। चलिए अब ये बिल्कुल ओके हो चुका है, चलिए अब मैं इसे फिटिंग करूंगा। पहले ये ड्राइवर को अच्छे से टाइट कर लूंगा, मैं यहाँ पर लेता हूँ अच्छे से। देखें इसके जितने भी डस्ट जो था वो भी मैं बिल्कुल क्लीन कर लिया और अब मैं इसे इस तरह से इस पर लॉक कर लूंगा। लॉक करने के बाद एक बार यहाँ प्रेस करके देख लें सभी अच्छी सही तरीके से वर्क कर रहा है या नहीं, क्योंकि फिर कभी कोई परेशानी ना हो।
है ये माउस जो है वो बिल्कुल ही मैं कंप्लीट कर लिया, और ये रिपेयर करने के बाद ओके कंप्लीट हो चुका, माउस बिल्कुल अच्छे से वर्क करेगा। आई होप कि आपको वीडियो पसंद आया होगा, वीडियो देखने के लिए थैंक यू।